दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बीएड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो हर एक छोटे प्रश्न से लेके बड़े प्रश्न तक हर एक प्रश्न को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन तीनों कालीन, वैदिक, बौद्धिक और मुस्लिम कालीन शिक्षाओं के बारे में। तो वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मुझे पता है कि इन सब को आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बार रिविज़न कर लेते हैं ताकि तुरंत आप इसको समझ के एग्ज़ाम्स में लिख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा से। और वैदिक कालीन शिक्षा से शुरू करने की एक वजह भी है, वजह यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है और भारत में अतीत से ही वैदिक शिक्षा का प्रचलन रहा है। देखिए यह प्रस्तावना हो जाएगा, जैसे आपसे अगर वैदिक शिक्षा के बारे में सवाल पूछता है तो ऊपर प्रस्तावना हेडिंग डालिए और वैदिक शिक्षा के बारे में लिखिए कि वैदिक शिक्षा क्या है, भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा है, भारत में अतीत से ही वैदिक शिक्षा का प्रचलन था, जिस समय विश्व में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी उस समय भी भारत की समाज में वैदिक शिक्षा का प्रचलन था और वैदिक शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी, शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में जाकर रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे, यह शिक्षा न केवल सामाजिक बल्कि अस्त्र शस्त्र, संगीत, राजनीति, ज्योतिष, खगोल आदि से भी जुड़ा हुआ था। और वैदिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिखिए कि इसका अर्थ, वैदिक शिक्षा का अर्थ जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा से था। शिक्षा एक ऐसा साधन समझा जाता था जो कि मनुष्य को सभ्य बनाती है और उसके जीवन उन्नत करती है, इस तरह मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है। वैदिक साहित्य में एक स्थान पर कहा गया है कि यावत जीवा मदिने प्रिय, इसका मतलब क्या हुआ ना कि वजीवा मतलब वह लोग जो ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं वह मदिने प्रिय हमेशा मद में रहते हैं, मतलब एक नशे में रहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ये कहा गया है कि वैदिक शिक्षा ने बताया कि एक मनुष्य जीवन प्रयत्न क्या रहता है, विद्यार्थी रहता है। दोस्तों रिवीजन क्लास है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर वैदिक शिक्षा के बारे में आपसे पूछता है तो प्रस्तावना में आप आराम से इन चीज़ों को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप प्लीज़ ज़रूर लेते चलिए साथ ही साथ में। अब आइए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे। दोस्तों इस पूरे इस एक शॉर्ट नोट्स में अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको इसके शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श दोनों के बारे में बताया गया है और बहुत ही आसान तरीके से। अब वैदिक काल शिक्षा के आदर्श पर प्रकाश डालते हुए मैंने नहीं, ये डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, ध्यान से सुनिए, ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता की भावना चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसारण प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य आदर्श तथा उद्देश्य समझे जाते थे। इसी का स्क्रीनशॉट लेके आप जितना चाहे लिख सकते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया है कि ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, ये क्या था, प्राचीन काल में यानी कि वैदिक काल में भारत की शिक्षा का मुख्य आदर्श और उद्देश्य था। बस ये समझ गए। अब आपको इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करना है, जैसे एक नंबर में पूछता है तो ये काफ़ी है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करता है करने को पूछता है तो आप एक्सप्लेन करिए कि ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए आप अपने बुद्धि और विवेक से, क्योंकि आप बीएड में हैं तो मुझे पक्का पता है कि बस आप चरित्र निर्माण हेडिंग डालकर आप आसानी से लिख सकते हैं कि किस प्रकार एक शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। तो दो पॉइंट, ईश्वर भक्ति धार्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास करना, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना और दूसरा सामाजिक कुशलता का विकास करना और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना, ये हैं वैदिक काल के आदर्श और उद्देश्य। इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप स्वयं से कर सकते हैं। अब हम चलेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में, इसकी शिक्षा की क्या विशेषता थी। तो देखिए इस शिक्षा की विशेषता गुरुकुल में हुआ करती थी, ठीक है। यह शिक्षा की एक और विशेषता थी कि उपनयन संस्कार का बड़ा महत्व दिया जाता था। उपनयन संस्कार क्या होता है आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए उपनयन संस्कार, जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार जो है उपनयन संस्कार को माना जाता है, ठीक है। इसे यज्ञो
यज्ञ पवित या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। उप यानी पानस, यहाँ पे देखिए उपनयन संस्कार के बारे में बताया गया। उप यानी कि पानस यानी कि गुरु, और नयन आदि मतलब ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाने का अर्थ ही क्या था, उपनयन संस्कार था। वास्तव में जब वैदिक काल में कोई विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता था तो उसे गुरु के पास लेके जाते हैं, और वैदिक संस्कृति के अनुसार जो भी पूजा पाठ होता है वह संस्कार, वह योजना हम वहाँ पे करते हैं, और उसी संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं। प्राचीन काल में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। वर्तमान की बात करें तो आज भी यह परंपरा कायम है, लोग आज भी जनेऊ संस्कार करते हैं। जनेऊ में तीन सूत्र होते हैं, ये तीन सूत्र तीन देवता के प्रतीक है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। यह संस्कार करने से शिशु में बल ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है, यही नहीं शिशुओं में आध्यात्मिक भाव की जागृति होती है। यह एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि कई कई बार आपसे पूछा जाता है उपनयन संस्कार क्या है। तो उपनयन संस्कार आपने देखा क्या है, वैदिक काल के शिक्षा की एक विशेषता थी। अब आइए तीसरी विशेषता देखते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य विशेष जीवन पर विशेष बल दिया गया वैदिक काल में। शिक्षा में धार्मिक तत्वों को महत्व दिया गया, और उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ, एक उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ कर दिया जाता था वैदिक काल में। और व्यवहारिक तथा पूर्ण शिक्षा पर बल, गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही घनिष्ठ होता था। गुरु उनके लिए सब कुछ होते थे, गुरु के लिए लोगों ने अपने अंगूठे तक काट के उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। गुरु का वो महत्व था, एक शिक्षार्थी के दिल में गुरु के लिए वो प्यार था। एक आप भी तो विद्यार्थी हैं, चलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर करने की निष्ठा लीजिए। लेकिन आप बीच में नहीं, पहले वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मुझे पक्का पता है आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। अब गुरु शिष्य का संबंध, अगला हम देखते हैं दोस्तों चरित्र तथा व्यक्तित्व विकास पर बल। जी हाँ, वैदिक कालीन शिक्षा की एक ये भी विशेषता थी कि चरित्र तथा व्यक्तित्व विकास पर बल दिया गया। भिक्षावृत्ति की प्रथा थी वैदिक काल में, भिक्षु प्रवृत्ति थी, लोग भिक्षा मांगकर खाना खाते थे और ज्ञान ग्रहण करते थे। दैनिक दिनचर्या का महत्व था, मतलब एक डेली रूटीन फिक्स था कि आपको इतने बजे उठ जाना है और इतने बजे सो जाना है, एक दैनिक दिनचर्या का महत्व था। पालन पोषण तथा आदर्श वातावरण पर बल दिया जाता था। पालन पोषण का मतलब, देखिए इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, जब लॉन्ग आंसर में पूछे तो एक्सप्लेन करना है। पालन पोषण मतलब शाकाहारी जीवन, शुद्ध खाना भोजन, ये सारी चीज़ें, वातावरण को स्वच्छ रखना, पेड़ों के पास रहना, नदियों में स्नान करना, ये सारी चीज़ें के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। विद्यार्थी जीवन के बाद भी स्वाध्याय आपको पढ़ते रहना है। सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा और बाहरी नियंत्रण से मुक्ति, ये मुख्य था वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चले, और इस वीडियो को यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा को हम संपूर्ण करने वाले हैं एक लास्ट पॉइंट देख के कि वैदिक कालीन शिक्षा के दोष क्या थे। देखिए कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो साथ ही साथ कुछ दोष आते हैं। मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ यहाँ पे, अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा की दोष की बात करें तो यह दोष आपके वर्तमान कलयुग के हिसाब से, क्योंकि यह जब वैदिक कालीन शिक्षा थी तो यही सारी चीज़ें उस समय की इनकी विशेषता थी। लेकिन आधुनिक, हम कहते हैं हमारी सोच बदल गई है, हम मॉडर्न हो गए हैं, तो हमारी आधुनिक सोच के हिसाब से इसे हम इसे दोष मानते हैं। वास्तव में उस समय यह दोष नहीं था। अब आइए क्या चीज़ें, धर्म की अधिक महत्व था, मतलब वहाँ पे धर्म ही सब कुछ है, भगवान को पा लेना ही सब कुछ था। उस समय वैदिक काल शिक्षा का यह उद्देश्य था कि भगवान को पा लो, भगवान को अपने मन में बसा लो। लोक भाषाओं की उपेक्षा, संस्कृत भाषा पर ज़्यादा बल दिया गया, लोक भाषा की उपेक्षा की गई। धर्म निरपेक्ष की विषयों की उपेक्षा, कहने का मतलब है जब कोई भी काल होता है, मुस्लिम काल हो, बौद्ध काल हो, वैदिक काल हो, तो वह अपने धर्म के प्रति बड़े प्रेम स्वभाव से रहते हैं। तो धर्म निरपेक्ष मतलब हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म की महत्व ही समझा गया, थोड़ी सी उपेक्षा धर्म निरपेक्षता की गई। शूद्रों की शिक्षा का अभाव, क्योंकि उस समय की यह शिक्षा व्यवस्था थी कि कौन से लोग शिक्षा हासिल करेंगे, कौन देश की रक्षा करेंगे, कौन कौन से कार्य करेगा, तो उस समय शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा थी, जन साधारण की शिक्षा की उपेक्षा थी। और सांसारिक जीवन की उपेक्षा का मतलब ये हुआ कि भगवान को प्राप्त करना ही सब कुछ है, आपका जीवन ये कुछ नहीं है, आपका जीवन आपका नहीं है, संसार में सुख प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, आप संसार में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, सांसारिक जीवन की थोड़ी सी उपेक्षा। विचार स्वतंत्रता का अभाव, विचार स्वतंत्रता का अभाव का मतलब ये आज के ज़माने में जो लोग स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, वैदिक काल में ऐसी बातें नहीं थी, आपके जो नियम शर्त और कानून थे उसी के उपरांत आपको जीना था।
ऐसा नहीं कि आपका जो मन करे वो कपड़ा पहनेंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे, जो मन करेगा तो पूरी रात हम जागेंगे, दिन में सोएंगे, ऐसी बात नहीं थी। जो नियम कायदे प्लस कानून थे उसको आपको मानना था। और नवीन धर्मों की अविवाह्य, मतलब कोई भी नहीं चाहता था कि यह सनातन धर्म छोड़ के कोई नवीन धर्म अपनाए, तो इस प्रकार के इसको दोष इस समय माना जाता है, वास्तव में यह दोष नहीं था। दोस्तों वैदिक काल में, मुझे उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी प्रश्न आपसे मोस्टली क्या पूछता है कि वैदिक कालीन से आप क्या समझते हैं, तो वैदिक कालीन के बारे में व्याख्या करिए, इसके आदर्श और उद्देश्य के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सारे याद रखिएगा, ठीक है। और वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अगर आपसे इसकी विशेषताएं पूछे तो विशेषताएं लिखिए, इसके सिद्धांत लिखिए, और साथ ही साथ अगर आपसे पूछता है उपनयन संस्कार क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करिए, और वैदिक कालीन शिक्षा के दोष। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, यह वैदिक कालीन शिक्षा को हम यहीं ख़त्म करेंगे, एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है परा और अपरा विद्या क्या होती है, तो परा और अपरा विद्या ये भी एक प्रकार की विशेषता थी। इसमें होता क्या, देखिए परा का मतलब ना आध्यात्मिक विद्या, मतलब जिसमें चारों वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण यही सब पढ़ाए जाते हैं, तो इस प्रकार की विद्या जो आध्यात्मिकता की भाव उत्पन्न करे, इंसान को ईश्वर से जोड़ने की बात करे, संसार से आपको अलग रखती हो, ईश्वर के प्रति आपका झुकाव करती हो, उस विद्या को परा विद्या कहते हैं। और अपरा विद्या मतलब, अपरा विद्या मतलब इसमें इतिहास, अर्थशास्त्री, भूगोल, मौखिक, प्रारंभिक, मतलब वो दुनिया की चीज़ें, जैसे पहले से सभी वर्णों के छात्रों के लिए विशेष पढ़ने के अनिवार्य थे कालांतर ब्राह्मण के, तो मतलब परा का मतलब आध्यात्मिक और अपरा का मतलब लौकिक, यानी कि यह सांसारिक। तो इस प्रकार से परा और अपरा की विद्या के बारे में आप स्वयं लिख सकते हैं। दोस्तों वैदिक कालीन यही संपन्न हुआ, अब हम मूव करेंगे अगला बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के अंदर, बौद्धिक कालीन शिक्षा के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़े से थक गए हो, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप यहां से आके जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, फिर आके यहाँ से देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ खत्म करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा, यानी कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में। और हम सबको बताया कि वैदिक कालीन शिक्षा के संस्थापक कौन थे, महावीर बौद्ध जी को वैदिक कालीन शिक्षा के संस्थापक माना जाता है। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और बौद्ध काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की साधना थी। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य की भी विकास करना था। और बौद्ध युग में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक उत्थान का प्रमुख माध्यम बना, यह प्रमुख माध्यम थी। यह एक आदर्श शिक्षा प्रणाली थी, इसमें अनुशासन पर अधिक बल दिया गया, शिक्षक स्वयं अनुशासित रहते थे और बच्चों के भी अनुशासन की शिक्षा देते थे। यह काफ़ी सिमिलर था वैदिक कालीन शिक्षा से, वैदिक कालीन और शिक्षा और बौद्धिक कालीन शिक्षा काफ़ी मिलते जुलते थे। अगर आप देखेंगे बौद्ध भिक्षु की भी ड्रेसेज वैसी थी, वो भी ये वो आश्रम में पढ़ते थे, ये मठ और विहारों में पढ़ते थे, वो भी घर को छोड़ के पढ़ते थे, तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी थी। लेकिन जो वैदिक कालीन के जो दोष थे, इन दोषों के आधार पर नए एक शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ, वो है बौद्धिक कालीन शिक्षा। लेकिन उससे मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो बौद्धिक कालीन शिक्षा के अगर हम उद्देश्य की, आदर्श की बात करें कि बौद्धिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो बौद्धिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था सरल जीवन, समाज सेवा, विश्व कल्याण और स्वतंत्रता एवं समानता, ये उनके प्रमुख उद्देश्य थे। सरल जीवन का मतलब, सरल जीवन, जीवन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध था, जीवन शिक्षा जीवन जीने का आदर्श था, और इसलिए विद्यार्थी सरल, शुद्ध, पवित्र, सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, किसमें, बौद्धकालीन शिक्षा में। समाज सेवा की बात करें तो समाज सेवा बौद्ध शिक्षा का दूसरा आदर्श था। उप संपदा सरकार संस्कार, इस चीज़ को याद रखिएगा, उप संपदा संस्कार का मतलब क्या हुआ, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार था, ठीक उसी प्रकार से उप संपदा संस्कार संपन्न होने के पर विद्यार्थी भिक्षु बन जाता था और वह बौद्ध धर्म एवं मठ में मठ की सेवा करता। भिक्षु का कार्य समाज में भ्रमण करना और धर्म के सिद्धांतों को जन जन साधारण तक पहुंचाना था। तो कहने का मतलब एक समाज सेवा था बौद्धिककालीन शिक्षा के प्रमुख आदर्शों में, एक विश्व कल्याण था, और दूसरा दोस्तों सामाजिक स्वतंत्रता एवं समानता था, कि हर एक व्यक्ति वर्ग को एक समान आपको समझना है।
अब आइए पहले उप संपदा संस्कार देख लेते हैं। तो उप संपदा संस्कार, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, कई कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उप संपदा संस्कार से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए या टिप्पणी लिखिए। देखिए, नए शिष्य जो होते थे 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ छोड़ना अनिवार्य होता था। ठीक है, 12 वर्ष से पहले वो मठ में रहेंगे और 12 वर्ष के बाद वो मठ छोड़ देंगे। पूर्ण सन्यासी की स्थिति प्राप्त करने तथा बौद्ध संघ की अस्थायी सदस्य बनने के लिए उप संपदा संस्कार का संपादन अनिवार्य होता था। इस संस्कार में क्या होता था, इस संस्कार में कम से कम 10 शिष्य की उपस्थिति में होता था, 10 का आचार्य भी शामिल रहते थे। तो मतलब 12 साल के बाद आपको मठ छोड़कर भिक्षा मांग के आपको खाना है और उसके बाद आपको जीवन व्यतीत करना है। तो 12 वर्ष के बाद मठों को छोड़ने का जो संस्कार था वही उप संपदा संस्कार कहलाता है। और 12 वर्ष के पहले वाली जो संस्कार थी वो प्रवज्य संस्कार कहलाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि प्रवज्य संस्कार के बारे में बताइए। तो देखिए, यह बौद्धकालीन की एक विशेषता थी कि बौद्धकालीन शिक्षा आरंभ में प्रवज्य संस्कार से होता था। ठीक है, यह संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। ठीक है, 8 वर्ष की आयु में। प्रवज्जस का अर्थ होता है बाहर जाना है, क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठों अथवा विहारों में जाते थे। प्रवेश के समय होने वाले इस संस्कार को प्रवज्जस संस्कार कहा जाता है। इसमें छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, मठ में भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकते हैं और फिर पलथी मारकर बैठ जाते हैं। उसके बाद यह 3 बार उच्चारित करते हैं, 3 बार इसका उच्चारण करते हैं प्रवज्जस संस्कार में। वह उच्चारण कौन कौन से हैं, बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरण गच्छामी, कि मैं बुद्ध के शरण में आ गया, धम्म के समय में आ गया, शरण में आ गया और संघ के शरण में आ गया, इसकी वो उच्चारण करते थे। और इस प्रकार से उनका प्रवज्य संस्कार के बाद उनका पढ़ने का कार्य, शिक्षा प्राप्त करने का कार्य शुरू हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, अब इसके बाद इन सूत्रों के उच्चारण के बाद हर एक बौद्ध शिक्षार्थी के अंदर ये 10 नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था। क्या, कि आपको जीव हत्या नहीं करना है, किसी भी निर्जीव वस्तु को, सॉरी जीवित वस्तु को नहीं मारना है, जीव हत्या करना ही नहीं है, अपना आचरण शुद्ध रखना है, सत्य बोलना है, वर्जित समय पर खाना खाना है, ऐसे नहीं कि आपने कभी का कभी खा लिया, मादक शराब इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, किसी की निंदा, किसी की चुगली, बुराई ये सब नहीं करना है, श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहना है। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती आजकल की, अगर सॉरी श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहना है, श्रृंगार का प्रयोग नहीं करना है, नृत्य एवं संगीत इत्यादि से दूर रहना है, बिना किसी के दिए दूसरे का वस्तु नहीं लेना है और सोना चांदी हीरा आदि कीमती वस्तुओं को दान में नहीं लेना है। अगर मान लो यही संस्कार अगर इस बार की शिक्षा में होती तो फिर क्या होता, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती, क्योंकि आजकल तो बिना फिल्टर के एक सेल्फी तक नहीं लिया जाता, तो सोचो क्या से क्या होता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हम बात करेंगे किसके, बौद्धिककालीन शिक्षा के विशेषता के बारे में। तो इसकी एक और विशेषताएँ क्या थी, बौद्धिककालीन शिक्षा की विशेषता ये थी कि इनकी शिक्षण विधियाँ भाषण, प्रवचन और प्रश्नोत्तर के द्वारा होता था। गुरु शिष्य संबंध में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता था। इनके वस्त्र पीले रंग के होते थे, सादे पोशाक होते थे, कोई डिजाइन नहीं होता था। खेल और व्यायाम का भी था और विद्यार्थियों का चयन होता था इसमें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि बौद्धिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था, चरित्र निर्माण करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान और सामाजिक सुख तथा कौशल की वृद्धि, सांस्कृतिक संरक्षण तथा प्रसार, निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना और बौद्ध धर्म का प्रचार करना, यह मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के। अब दोस्तों, बौद्ध धर्म से जो भी प्रश्न आएंगे मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे मुस्लिम शिक्षा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ खत्म करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको बार बार परेशान होना पड़े, एक वीडियो में सब कुछ खत्म करेंगे। थोड़ा सा आप आराम कर सकते हैं, अगर मुझे पता है अगर आप थक गए हो तो, लेकिन आप अच्छे विद्यार्थी हैं, थके नहीं होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इसी में शुरू कर देते हैं, मुस्लिमकालीन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली यह क्या है। 1200 से 1700 ईस्वी तक के काल को मुस्लिम काल कहा जाता है, और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा का अर्थ अलग था। देखिए, बिल्कुल अलग था, क्योंकि उस समय मकतब तथा मदरसों में यह शिक्षा का कार्य किया जाता था। मकतब तथा मदरसों में ज्ञान दिए जाते थे और इसकी शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम काल के समय शिक्षा के अर्थ में छोटे रूप में स्वीकार किया गया, ये शिक्षा को बहुत बड़ा नहीं मानते थे, ताकि वही देने कि आज मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, वो धन व इस पर ज़्यादा राज करना, इस पर ज़्यादा ध्यान देते। देखिए, अतः उस काल में धार्मिक शिक्षा पर ही अत्यधिक बल दिया गया और सभी के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया।
धर्म की शिक्षा सबको ग्रहण करना अनिवार्यता, हर एक बच्चे को आपको धर्म की शिक्षा लेनी है और धर्म को सर्वोपरि स्थान देते हुए मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक साम्राज्य के विस्तार को ही महत्व दिया गया। तो मुस्लिम काल से देखिए हर काल की भांति, जैसे वैदिक काल में सांस्कृतिक सनातन धर्म, बौद्धिक काल में बौद्ध धर्म, इसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा का भी यह एक था कि वो अपने धर्म के प्रसार प्रसार को अधिक महत्व देते थे। मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली, उस समय की जो शिक्षा नीति थी ना वो मुस्लिम बादशाहों के अधीन होती थी और वही शिक्षा के कार्यक्रम के लिए अधिक सहायता मुहैया करवाते थे। उस काल में शिक्षा मुख्यतः भाषण के आधार पर दी जाती थी। उस काल में मदरसों में खान पान की व्यवस्था के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी और मुस्लिम काल की शिक्षा दो आधार के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। दो आधार पे, पहला क्या था, मकतब। मकतब यानी कि वहां पे जहां पे आपको उच्चारण सिखाया जाता है, जैसे बेसिक चीजें जो आपके अल्फाबेट होते हैं, जैसे संस्कृत के अल्फाबेट हो गए, हिंदी के अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट, तो उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में मकतबों में आपके अल्फाबेट जैसे अलिफ बा ता सा ये सारी चीजें बताई जाती थी और यहां से आपके इन सारी चीजों का, तो जिस स्थान पर शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे मकतब कहते हैं। मुस्लिम काल में प्रायः मस्जिद के पास ही मकतब का निर्माण कराया जाता है। इसमें अक्षर ज्ञान, कायदा और परिचय विद्यार्थी का कराया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें मदरसा का, तो मदरसा मैंने थोड़ा सा अपर लेवल का, मदरसा का अर्थ होता है भाषण देना। मुस्लिम काल में शिक्षा देने का माध्यम सदैव यही रहा, अधिकतर भाषण के माध्यम से ही उस समय शिक्षा प्रदान की जाती थी और मदरसों में उच्च स्तरीय शिक्षा, जैसे कुछ किसी को प्रवक्ता बनना है, किसी स्कॉलर बनना है, इसको शिक्षा मदरसे में दी जाती थी। और आपने एक वर्ड सुना होगा तकरीर, तो तकरीर लेने की शिक्षा, तकरीर देने की शिक्षा मदरसों में अक्सर बच्चों को दी जाती थी मुस्लिम कालीन शिक्षा में। अब हम बात करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आई विल फिनिश इट सून, बिल्कुल घबराए नहीं, वीडियो को खत्म करने हैं, थोड़े से और पॉइंट रह गए हैं। वो है मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में राज्य के अधीन थी, यह उसकी विशेषता थी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा जो है वो काफी मजबूत और उच्च शिक्षा गुणवत्ता थी। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों का खजाना था। वजह यह है कि जब भारत में मुगल आए तो भारत सरकार में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे भारत के अलावा, चाहे वो टर्की हो गया, इराक हो गया, रसिया हो गया, तो इन सभी जगहों से पुस्तकों को पे ला दिया गया शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी पुस्तकें वहां पे मौजूद थी। बौद्ध धर्म में उतनी ज्यादा पुस्तकें नहीं थी जितनी मुस्लिम कालीन शिक्षा में थी। कला में निपुण छात्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती। असल में ये मोस्ट पॉइंट है, अक्सर ये माना जाता है कि छात्रवृत्ति की जो शुरुआत हुई थी ना वो मुस्लिम कालीन शिक्षा से हुई थी, क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा में एक फिक्स था, अभी भी मुसलमानों में एक फिक्स है कि अपने कमाई का एक निश्चित रकम जकात के रूप में आप मदरसों में देते हैं। ठीक है, तो छात्रवृत्ति की असल शुरुआत वहीं से मानी जाती थी। और मुस्लिम काल में साहित्य को अधिक महत्व दिया गया, जैसे आप देखेंगे अक्सर जो क्या कहते हैं, जो शायर होंगे, गजल लेखक होंगे, गीतकार हो गए, तो इन सारी चीज़ों को भी बढ़ावा दिया गया, महत्व दिया गया। मुस्लिम लेखकों, कवियों एवं कवियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता था। ठीक है, मुशायरा होती थी, ये सारी चीजें। मदरसों में शिक्षा अरबी फारसी में प्रदान, ये इसकी सब विशेषताएं हैं। आप सब अपने अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको, बस एक बार पॉइंट देखते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में रूढ़िवादी ने, मतलब रूढ़िवादी थोड़ी सी कट्टरपंथा थी अपने धर्म के प्रति। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली राज्य का अधीन थी, हमने सब देख लिया। अब आइए हम बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो ठीक, हर एक कालीन शिक्षा की तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अच्छे चरित्र निर्माण पर, देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी वो अच्छे चरित्र निर्माण पर बल देती थी। कहने का मतलब है, उस समय इस बात पे बहुत जोर दिया जाता था, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, किसी का नाहक कहते हैं ना, अमानत में खयानत नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी करने पर हाथ काट देना, इस प्रकार की चीज़ें डराया जाता था बच्चों को। तो चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया गया। मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी, आप अक्सर देखेंगे कि कई बार, मतलब अक्सर राजाओं के भी मुस्लिम सिपाहसालार होते थे, मुस्लिम सेनापति होते थे, तो मतलब मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी, ये उसके उद्देश्य थी। बच्चों को ये सिखाया जाता था इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना, और मुस्लिम कालीन शिक्षा के बच्चों को ये भी था कि उद्देश्य था कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन और शिक्षा मानवीय ज्ञान तथा वृद्धियों का माध्यम। तो ये हो गए दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, और इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म भी करेंगे। तो हमने देखा मुस्लिम कालीन शिक्षा के हर एक पॉइंट्स को, और इसी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या हो गए, इसकी विशेषताएं क्या हो गई, इसकी शिक्षा प्रणाली, मकतब और मदरसा क्या होता है, तो इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने तीनों शिक्षा प्रणालियों का सविस्तार अध्ययन किया। एकमात्र मकसद ये वीडियो बनाने का था कि हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को एक जगह रिकॉर्ड कर दिया जाए, जब आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले बस एक बार इसको देखें और आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं, अब अपने शब्दों में आप जाके एग्जाम में लिखाएं।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपने वीडियो को कहां तक देखा, कि आपने पूरा देखा कि नहीं देखा, और यह वीडियो आपको कैसी लगी और यह जानकारी आपको कैसी लगी। और जी हां, प्लीज़ कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, मुझे पक्का पता है लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें, दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही करके हम और पॉइंट्स को देखेंगे और पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।